संसद भवन में पधारे सभी भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षुक अधिकारी का मैं संसद परिसर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब लोग वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों के साथ नए भारत के बदलाव के साथ, और मुझे लगता है कि जब आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी तो हम कई कानूनों के नए बदलाव के दौर से गुजरेंगे। इसलिए इस संसद भवन के अंदर आपका यह ट्रेनिंग प्रोग्राम महत्वपूर्ण भी है, कारगर भी है, और आपको सीखने का, अनुभव का बहुत बड़ा लाभ इस संसद भवन के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से मिलेगा। आप संघ लोक सेवा की एक महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण परीक्षा के पास होकर आए हैं। भारत में संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठा आज भी दुनिया में एक बेहतरीन सुयोग्य अधिकारी चयन करने की प्रतिष्ठा है, और आप सबने भी इस परीक्षा में बहुत चुनौतियों से इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कई हमारे नौजवान पहली अटेम्प्ट में क्लियर हुए, कईयों ने पुराना लंबा अनुभव है, कईयों को इंजीनियरिंग अलग अलग सेक्टर्स का अनुभव है, लेकिन मुझे जानकारी मिली कि 60% इंजीनियरिंग सेक्टर के लोग भारतीय पुलिस सेवा में चयन हुए हैं। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व मिला है, महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में चयन हुए। मैं राजस्थान से आता हूं, इसलिए राजस्थान में भी इस बार रिकॉर्ड आईपीएस अफसरों का चुनौतीपूर्ण परीक्षा में पास हुए हैं। मैं सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप सब यहां पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, और लोकतंत्र के अंदर हमारी जो संसदीय प्रक्रिया है, परंपरा है, हमारा संविधान है, उस संविधान का अध्ययन करेंगे। यहां की संसद की डिबेट, चर्चाओं, कानून बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में जो संसद की, उसके कानून बदलाव कैसे हुए, क्या डिबेट हुई, क्या चर्चा हुई, क्यों आवश्यकता थी, ये सब भी आप अनुभव करेंगे। और आप संविधान के तीनों कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाओं के बीच में किस तरीके से सामंजस्य बनाकर, और हम जनता के विश्वास भरोसे को कायम रख सकते हैं। हमारा दायित्व है कि लोगों के विश्वास का, भरोसे का कायम रखना। हम एक ऐसी व्यवस्था कायम कर रहे हैं जिसमें न्याय हो, अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले, सुरक्षा मिले, और सुरक्षा के साथ हमारा शासन सुशासन हो जिसमें पारदर्शिता भी हो और जवाबदेही भी हो। और इसके लिए हमारे संविधान बनाते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने अलग अलग अंगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी है। विधायी कार्य संसद करती है, कानून बनाने का काम, नीतियां बनाने का काम, जनता की भावनाओं की अपेक्षाओं के अनुसार नीतियां कार्यक्रम बनाने का काम संसद करती है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन का काम आप लोग करते हैं, कार्यकारी व्यवस्था करती है,
और उस कार्यकारी व्यवस्था के अंदर जो कुछ भी आपने किया वो कानून के अंतर्गत किया नहीं गया, उसके लिए हमारी एक न्याय व्यवस्था है जो पारदर्शिता भी है, जवाबदेही भी है और निष्पक्षता भी है। इसलिए तीनों अंगों को सामंजस्य करते हुए हम एक बेहतर शासन प्रशासन और विशेष रूप से आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, एक महत्वपूर्ण काम आपके जिम्मेदारी पर देश ने दिया है। आप सोच भी नहीं सकते कि आप पर कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आप जिस जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे उतने ही लोगों का विश्वास भरोसा प्राप्त करेंगे। आज दुनिया के अंदर कानून व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण विषय है, भारत में भी लॉ एंड ऑर्डर सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है। जिस देश का जिस प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन होता है, ईमानदार काम करने वाले अधिकारी होते हैं, पारदर्शिता से काम करने वाले अधिकारी होते हैं, जवाबदेही से काम करने वाले अधिकारी होते हैं और समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम न्याय के साथ उसकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं, ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का काम आप करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है, भरोसा है कि भारत में जिस तरीके का अनुशासन हमारी पुलिस फोर्स में है, अर्धसैनिक बल में है, हमारी सेनाओं के अंदर है, ये अनुशासन जीवन के अंदर हमने अपने अध्ययन के समय भी सीखा है और विशेष रूप से एक प्रशिक्षण के समय भी हम इसका अनुभव प्राप्त करेंगे। और इसीलिए ये कोर्स भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। मुझे पता है कि बदलती चुनौतियों के साथ, नई तकनीकी के साथ, नए बदलाव के साथ हम भी अपने आप में नए बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर को हम देखते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर के आज के लॉ एंड ऑर्डर के और पहले के लॉ एंड ऑर्डर में कितना परिवर्तन हो गया। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, इन्वेस्टिगेशन जो करने का तौर तरीका बदल गया है और इस समय हमारा नौजवान नई सोच के साथ, नई तकनीकी के साथ, नए अनुभव के साथ एक पारदर्शिता तरीके की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सक्षम हो चुका है और सरकार ने इस दिशा में व्यापक बदलाव किया है। सरकार आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में भी नए परिवर्तन करने का विचार कर रही है। उसके लिए संसद की समितियों ने व्यापक विचार विमर्श किया है, सभी स्टेट होल्डरों से व्यापक विचार विमर्श किया है। तो इस बदलते दौर के अंदर हम आज के प्रचलित कानूनों को कैसे बदल के वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार प्रासंगिक बना सकते हैं, इसके लिए जब विधायी संस्था काम कर रही है वही हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी भी उसी दिशा के अंदर काम कर रही है, उसी सोच चिंतन से काम, हमारी न्यायिक प्रक्रिया भी उस दिशा के अंदर काम कर रही है। और इसीलिए त्वरित और जल्दी न्याय मिले इसके लिए आप देखेंगे कि विधायी कार्यों में नया परिवर्तन का दौर चल रहा है, कार्यकारी के अंदर नया दौर परिवर्तन चल रहा है, न्यायिक प्रक्रियाओं में बदलाव चल रहा है। ये बदलाव का समय है, ये बदलते भारत की नई तस्वीर है और इस नए बदलते भारत की तस्वीर में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने जा रही है।
मुझे आशा है कि आप नए बदलते दौर के अंदर अपने आप को एक बेहतरीन तरीके से सुशासन स्थापित करने में सफल होंगे। मुझे मेरे नौजवानों पर बहुत भरोसा है, उनके सोच पर, उनके चिंतन पर, उनके नए रिसर्च पर, उनके तकनीकी ज्ञान पर। क्योंकि दुनिया के अंदर भी देखें तो भारत का नौजवान जहां भी काम कर रहा है, जिस सोच के साथ, जिस चिंतन के साथ, जिस रिसर्च के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है, भारत में भी और भारत के बाहर भी, भारत के नौजवानों की सामर्थ्य, नया भारत का सामर्थ्य हम देख रहे हैं। और इसीलिए आप संसद की प्रक्रियाओं, परंपराओं, प्रपाटियों का तो जानेंगे सही, संसद ने भी बदलते हुए प्रौद्योगिकी के लिए नए परिवर्तन किया है। डिजिटल संसद हो, ऑनलाइन क्वेश्चन हो, ऑनलाइन आंसर हो, कम से कम कागज का उपयोग करना, टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग करना, और जिस तरीके से संचार साधनों के माध्यम से तुरंत जो जनप्रतिनिधियों का कार्य व्यवहार है वो आम जनता तक जाता है। और इसीलिए आप भी टेक्नोलॉजी का उपयोग तो करेंगे सही, लेकिन आपके आचार व्यवहार, आपकी कार्यकुशलता की जानकारी जनता को हर क्षण मिलती रहेगी। और इसीलिए हमेशा ट्रेनिंग हमें कार्यकुशलता को, दक्षता को बदलते दौर के अनुसार एक ऐसी व्यवस्था देता है जो निश्चित रूप से हमारी दक्षता को बेहतरीन करने का काम करता है। क्योंकि एक समय होता है जब आपका अध्ययन का समय होता है, अध्ययन के बाद फिर इंटरव्यू होता है, और फिर वास्तविक जिंदगियों के अंदर जो एक व्यावहारिक जिंदगी है उसमें आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए आपकी और पुलिस अधिकारी और जनता का सीधा संवाद, जितना संवाद रहता है उतनी बेहतरीन जानकारी मिलती है। मेरा मानना है कि एक सफल पुलिस अधिकारी वो होता है जो ईमानदारी से काम करता है, निर्भीकता से काम करता है, उसका जितना ज्यादा संवाद जनता से रहेगा उतना ही बेहतरीन परिणाम दे पाएगा। जितनी आपकी जनता से दूरी होगी आपका सूचना तंत्र कमजोर होगा, आपका सूचना तंत्र कमजोर होगा तो आप अच्छे बेहतर परिणाम दे पाएंगे। मेरा मानना है, मेरे अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि पुलिस अधिकारी और जनता की दूरी को कम करें, अपराधों को रोकने के लिए जहां जानकारियां मिलती है वहीं टेक्नोलॉजी का उपयोग तो होता ही है, लेकिन समाज के अंतिम व्यक्ति में विश्वास भरोसा भी पैदा होता है कि मैं अगर जाऊंगा पुलिस अधिकारी के पास तो मुझे न्याय भी मिलेगा और जवाबदेही के साथ काम भी करेंगे। और इसीलिए हम लॉ एंड ऑर्डर को बेहतरीन करने के लिए जितना बेहतरीन संवाद रखेंगे उतना ही, कई बार कई घटनाएं घटती है जिंदगी के अंदर, कई आपको जब नौकरी के बाद आप फील्ड स्टाफ में जाएंगे तो आपको पुलिस अफसर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि किसी भी अपराध के अलावा भी वहां के लॉ एंड ऑर्डर और वहां के कल्चर को समझना, वहां की गतिविधियों को समझना, वहां के लोगों के जो परंपरागत जो तौर तरीके उनमें बदलाव लाने के लिए भी काम करना। क्योंकि कई अपराध जो है वो संगठित अपराध होते हैं, उसके लिए भी काम करना पड़ता है, कई ड्रग्स वगैरह के लिए भी जहां पर रोकने का काम हो वहां पर लोगों को प्रशिक्षण देना, उनके जीवन को बेहतरीन करने के लिए उनको अच्छी शिक्षा देने का काम भी करना पड़ेगा।
और कई परंपरागत जो काम करते हैं उनके कामों को परिवर्तन करने का सही दिशा के ले जाना। तो ऐसा नहीं होता कि आप कानून से ही चीजों को परिवर्तन कर सकते हो, या आप किसी को पुलिस के भय से परिवर्तन कर सकते हो। भय होना चाहिए, अगर भय नहीं होगा तो लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक नहीं होगा। लेकिन भय के साथ सामजन्य होना चाहिए कि उनके जीवन को बदलाव करने के लिए हम ठीक रास्ते पर बताने का भी उनका रास्ता बताएं। अपराधियों को अपराध करने से रोकना और भविष्य में कोई अपराध न हो उसके लिए भी व्यवस्था करना। जो वर्तमान अपराध है उसको, अपराधियों को सजा दिलाना, लेकिन जो अपराध हो रहे हैं, किस तरीके के अपराध हो रहे हैं, कैसे अपराध हो रहे हैं, करने वाले कौन लोग हैं, उनका जितना अध्ययन कर पाएंगे उतना ही बेहतर आप काम कर पाएंगे। इसलिए सिविल सर्विस का अधिकारी निश्चित रूप से एक बड़ा व्यापक दृष्टिकोण लेकर चलता है। हमें उसी दृष्टिकोण से व्यावहारिक जीवन में हमारी अप्रोच जितनी वर्तमान चुनौतियों को निमटने के लिए बेहतरीन होगी, दक्ष होगी, उतना ही हम अच्छी कानून व्यवस्था दे पाएंगे। इसलिए मुझे आशा है कि आप 75 बेंच के सभी अधिकारी हैं, आपका बेंच सर्वश्रेष्ठ हो, इसके लिए आप आपस में संवाद करें, चर्चा करें और एक बेहतरीन व्यवस्था को कायम करें। और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का विचार है कि जितना उस प्रदेश का, देश का लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन होता है उतना ही सुशासन के साथ प्रगति और विकास की संभावनाएं भी बढ़ती है। आप देखते होंगे जिस जगह लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरीन व्यवस्था होती है वहां टूरिज्म ज्यादा होता है। टूरिस्टों को लगता है कि बाहर के आने वालों को कि हाँ इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन है, तो वहां पर विदेशी पर्यटक, देशी पर्यटक जाते आते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर का देश की प्रगति में कितना महत्वपूर्ण योगदान है वह आप अनुभव कर रहे हैं। और बदलते परिस्थिति में किसी देश की प्रगति के लिए ये एक महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिली है। मुझे आशा है कि आप अपने सार्वजनिक जीवन के अंदर एक नए बदलाव के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ, नए चिंतन के साथ, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आप इस भारत की नई तस्वीर बनाने में कामयाब होंगे। आपके कंधों पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, समाज को बहुत आपसे अपेक्षाएं हैं, इन अपेक्षाएं आकांक्षाओं को आप पूरा करेंगे और एक ऐसा समाज जहां पर कानून का शासन हो, जहां त्वरित न्याय मिले, ऐसे शासन को, ऐसे समाज में बनाने में आप योगदान देंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।